द टर्बन ट्रैवलर दे प्रायोजक ने वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन कड़ बगदाद निवाए के मक्का मदीना सभी निवाया सिद्ध चौरासी मंडली खट दर्शन पाखंड जिनाया पाता लाया कास लख जीती धरती जगत सबाया जीती नौखंड मेदिनी सतनाम दा चक्र फेरा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अमरजीत सिंह आप दा टर्बन ट्रैवलर। अज वो मुबारक घड़ी आई गई जिदा सानू इन्हें टाइम तो इंतजार सीगा। अज साडी जर्नी की शुरुआत है। इस वक्त असी खलोते हैगे गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब दिल्ली ते मेरे नाल ने गुरुद्वारे दे जिहड़े जथेदार हैड ग्रंथी सरदार बलदेव सिंह जी ते आयो जी बलदेव सिंह जी नाल पुछने आ इस गुरुद्वारे दा इतिहास। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो पावन स्थान दे आप जी दर्शन कर रहे हो इस नूं गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब आखदे हन। पहली उदासी दे समय गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन स्थान ते आए। ये जड़ी धरती है इत्थे सारे बाग हुंदे सन। ये जो गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब वाली जगह है इसका जो मालक सी, जो इत्थे बाग सी, गुरु साहब जी ने इत्थे डेरा लाया। उसने गुरु साहब जी नूं बेनती कीती भी आप जी इत्थे कुछ समा रुको, ये धरती आप जी दी है, ये जमीन आप जी दी है। इत्थे जो आप जी खूह के दर्शन करते हो ये खूह पहला तो मौजूद सी और गुरु नानक देव जी महाराज ने इत्थे प्याओ बनवाया। इत्थों दी मुसाफर लंघते सन, पानी भी मौजूद सी खूह दे विच, पर पानी कड्ढण दा प्रबंध नहीं सी। राई जिहड़े सन बड़े उदास हो के अगे तुर जाते। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ आई। गुरु साहब जी ने ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਉ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਲ ਛਕਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਹਰ ਪੀਰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ मेरे पिछे तुसी देख सकते है हो गुरुद्वारा नानक प्याओ गुरु नानक देव जी महाराज के समय की वह खूई जी अज भी उसी तरीके का मिठा तो ठंडा पानी लोगों को देती हैगी। उस वक्त यात्री इतों जाते थे तो इस स्थान पर आके ठंडा तो मिठा जल पीते। वो स्थान है जिस स्थान तो अज हज़ारां लोग वरसाए जा रहे हैं। इस स्थान पर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत वधिया गुरुद्वारा उसारिया होया है। 24 घंटे लंगर चलता है और हज़ारां की तादाद अंदर लोग रोज़ इस स्थान पर आके झुकते हैं। गुरबानी का प्रवाह उस वक्त तो ही इस स्थान पर चल रहा है। समूह संगतां नूं बेनती है कि जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे 550 साल गुरपुरब दीआं समूह संगतां नूं इस स्थान के सेवादार होने के नाते लख लख मुबारकां जी। 42 डिग्री टैंपरेचर, जुलाई का महीना, इस तरह ही हाड़ का महीना सी जिस वक्त गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी वक्त इस स्थान पर आए थे। आज सानू इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है जिस वक्त सच्चे पातशाह ने यात्रा की थी अपनी उदासी में किस तरह उन्होंने किन्ने कष्ट होए होंगे। ऐ तुसी तद ही अंदाज़ा लगा सकते हो जब तुसी आप जिस तरीके नाल उन्होंने यात्रा की थी पैदल चल के या वो कष्ट झेल के। असी पैदल तो नहीं कर पा रहे पर हर जगह पर कोई ना कोई कष्ट हुंदा ही हैगा। इसदा अंदाज़ा तुहानू जिस वक्त तुसी आप कष्ट झेलते हो तब पता लगता है। तो यह कष्ट सारे उन्होंने झेले सीगे समाज की बुराइयां दूर करने वास्ते, समाज को संदेश देने वास्ते, जिहदी एक छोटी जी कोशिश असी भी कर रहे हैं। तुसी वेख रहे होगे कि किस तरह का फ्लैग ऑफ हैगा। ना कोई मंत्री है, ना कोई संतरी है, ना कोई वड्डा नेता आया, ना कोई चीफ मिनिस्टर आया। यह सिंबॉलिक जर्नी है, इस करके इसदा जिहड़ा फ्लैग ऑफ हैगा वह भी बड़े सिंबॉलिक तरीके नाल कीता गया है। गुरु नानक देव जी साधारण व्यक्ति सीगे, उन्होंने बड़े साधारण तरीके नाल सारी जिंदगी काम किया। असी भी उन्होंने सम्मान देंदे हुए जर्नी नूं बड़े साधारण तरीके नाल शुरू कर रहे हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जप गोविंद गोपाल राम नाम सिमर तू जीवे फिर ना खाई महाकाल। बिन गुर पूरे नाही उधार बाबा नानक आखे ये हो विचार। बिन गुर पूरे नाही उधार। एक मुसाफिर जिसने जमुना पार करनी सी ते जमुना दे कंढे ते गया। उत्थे जाके की देखदा है कि बेड़ी जिहड़ी है वो दूसरे किनारे ते गई हुई है। तो जिन्ना चिर बेड़ी वापस नहीं आती उन्नी देर वो मजनू फकीर दे कोल बह गया जिहड़ा जमुना के किनारे परमात्मा की भगती कर रहा सी। उस मजनू फकीर नू परमात्मा की सिफत दसी तो उहदे अंदर चाह पैदा होया कि मैं भी गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन करां। तो जदों ये विचार आई तो अंदरों ही नाल ही आवाज़ आ गई, शरीर ने आख्या मेरे ते भरोसा ना करी क्योंकि शरीर निर्बल हो गया है, खाना पीना छड्ड दिता है, केवल नाम दे आसरे जिउंदा है। तो फिर उन्हें अरदास की सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी मैं सुनिया कि तुसी अंतरजामी हो, जे तुसी अंतरजामी हो तो यह भी जानते हो कि मैं चल के तुहाडे कोल नहीं आ सकता। आप जी कृपा करो मैनू आके दर्शन दिओ। गुरु नानक देव जी महाराज मजनू फकीर की बेनती सुन के चले ने 6 किलोमीटर का पैंडा पैदल तय करके उस पावन जगह पर पहुँचे। गुरु साहब जी ने मजनू फकीर नू आख्या तू बड़े प्यार नाल कीता है, तेरे प्यार दे बधे होए आया, मंग की मंगदा है। उन्हें कहा मैनू दुनियावी कोई चीज़ नहीं चाहिदी, तुहाडे दर्शन चाहिदे सन, बड़ी कृपा कीती है तुसीं। गुरु साहब जी ने उहदे अंदर दा प्यार देख के बचन कीता सी कि अस्थान साडा होवेगा ते नाम तेरा होएगा। गुरु साहब जी दे बचन होए, उस पावन स्थान का नाम गुरद्वारा मजनू टिला साहब प्रसिद्ध होया। सब तो महत्वपूर्ण गल इत्थे सी कि जदों सिखां ने 30,000 कोट तुसीं सुनी होनी है, 30,000 सैना लैके इत्थे जदों अपना एक तरह का राज स्थापित किया तो बघेल सिंह जो सी जरनैल सिखा दा वह इत्थे आके रुकया सी इस और इत्थों ही उसने जिहड़े गुरुद्वारे साहब सी गुरुद्वारा शीशगंज साहब है गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है और दूसरे गुरुद्वारे जिन्ने भी ने उन्होंने पहला भालिया खोज की सारी वो कड़ी लंबी कहानियां ने फिर वो गुरुद्वारा साहब नूं संभाल के गुरुद्वारा साहब तैयार किए। यह महत्व इस थां दा है। अज का पहला दिहाड़ा लंबा हो गया क्योंकि असी देर नाल शुरुआत की सी इस करके देर हो ही गई। असी पहुँचे सी 12:30 बजे के करीब गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब ते उत्थों निकलते निकलते ही सानू 4:30 बज गए। इत्थे असी पहुँचे गुरुद्वारा मजनू का टीला 5:30 बजे के करीब। उस तो बाद शूट करना सीगा, गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने सीगे, इतिहास दसना सीगा। दिन लंबा होने के बावजूद प्रोडक्टिव सीगा। अज पहला दिहाड़ा सीगा ते जिस वक्त तुसी अपनी जर्नी की पहले दिन की शुरुआत करते हैगे हो उहदे अंदर कुछ ना कुछ इशूज़ आते ही है। सानू भी थोड़े बहुत इशूज़ आए कैमरा के नाल कुछ ड्रोन के नाल। ऑन दी होल इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे। इथों लंगर करने के बाद असी हुण निकलांगे अगले डेस्टिनेशन वाल बिजनौर जाके असी तुहानू अगली अपडेट देवांगे। तब तक टर्बन ट्रैवलर नू आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। द टर्बन ट्रैवलर दे प्रायोजक ने वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन